ये है 26 नवंबर 2014 और 5:09 पर इसको डाला गया शाम के। क्या कह रहे हैं इसमें? द एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल द यूजुअल रेजिडेंट्स विच इंक्लूड्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन एज वेल। द एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये क्या है भाई? फिर मीडिया अलग बात है कि मीडिया सवाल जब करता है तो अमित शाह से डर के नहीं पूछते होंगे, या हम खुला बता रहे हैं आपको, हकीकत बता रहा हूं, ये तीन चीजें आपके सामने रखा हूं। और वजीर दाखिला कहते हैं कि नहीं, अगर मशरक से सूरज निकलेगा तो ओवैसी बोलेगा मगरिब से। नहीं, ये सच्चाई ये है जो मरकजी हुकूमत छुपा रही है। और याद रखिए, एनपीआर का काम जब शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा। गजट नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, एक एक रियासत में कम से कम 70,000 गवर्नमेंट के मुलाजमीन ये काम करेंगे। वो आपके घर पर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, ये कहां पे पैदा हुए, आधार कार्ड है क्या, पासपोर्ट है क्या। अगर आपके मां बाप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, कोई फॉरेन कंट्री में पैदा हुए, वो कहां पैदा हुए सब बताइए। अब आप इनको देखिए, डॉक्यूमेंट किए, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इन्हों क्या करते, एक लोअर लेवल का ऑफिशियल होगा, वो बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी और किसी और गैर मुस्लिम का नाम होगा। वो बोलेगा नहीं जी, इस पे मेरे को डाउट है। ये मैं कह रहा हूं आपको, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बल्दिया इलेक्शन में वोट लेने के नहीं कह रहा हूं, ये कुल जमा की जलसा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट जब दे देंगे तो वो कहेगा कि नहीं, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मैं इससे मुतमईन नहीं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। तो आपको क्या लिखेगा? डाउटफुल, डाउटफुल सिटीजन लिखेगा। अब डाउटफुल लिखने के बाद आपसे वो अहदेदार कहेगा कि असद साहब जरा और डॉक्यूमेंट लाइए, मैं मुतमईन नहीं हूं, अब सिलसिला चला। तो लोढ़े को भी लाना पड़ेगा। मैं नहीं पर क्या मालूम, उसका टेस्ट करा के देख लो भाई, ये लोटा लेकर गए थे, अगर देखना है तो बैतुल खला की कमोड भी देख लो। अरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दिए, उसके बाद उन्हें मुतमईन हो गए, अच्छा है। नहीं हुए तो क्या करेंगे भाई, महबूब नगर का वो आपका हादी साहब, आपका कौन सा वार्ड है, मदीना मस्जिद, मदीना मस्जिद के रजिस्टर निकालेंगे, यहां पर इतने लोगों के नाम आए, ये नाम है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो करो, किसी को ऑब्जेक्शन कर देंगे, नाम तो आ गया। अगर डाउटफुल निकल भी गया, नहीं ठीक है, मैं मुतमईन हो गया, हादी तेरा नाम आ गया। अब हादी का नाम और पूरे मदीना मस्जिद के लोगों का नाम लगा दिए। अब जो बीजेपी के लोग हैं, जो हादी से दुश्मनी करते हैं, वो जाके बोले हादी हिंदुस्तानी कहां है, तो पाकिस्तानी है। नहीं नहीं, अरे है भाई, रूल्स में है, ये ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन कर दिए और हादी आउट। जब हादी आउट हो जाएंगे तो जो एनआरसी बनेगी उस फाइनलिस्ट में हादी साहब फॉरनर हो गए। एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से ऐसा है, ये नहीं बता रहे। और बार बार टीवी पर देखो आप, जो टीवी के एंकर है, जो बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बड़े चहीते हैं, ऐसा चाहते हैं कि शायद अपनी औलाद को भी नहीं चाहते, उतना चाहते हैं लोगों को, चाहे वो मोहतरमा हो या वो जनाब हो। अगर आप उनके टीवी चैनल पर जाकर वजीर आजम और वजीर दाखिला को बोले तो ऐसा लगता है कि आप उनके ऐसी मोटी गाली उनको दिए।
जबकि गाली नहीं दे रहे आप, फिर उनको क्यों बोलते आप? मैं कहीं टीवी प्रोग्राम में जाता तो मेरे से पूछते थे आज ज्यादा उनको नहीं बोलना, मैं किसको? इसीलिए बता रहा हूं कि एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से है, इसीलिए हम एनपीआर के खिलाफ है। और आज मरकजी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए 3,900 करोड़ रुपए मुख्तसस किए, एलोकेट किए। क्या भाग और हम अब लोग बोलते नहीं तुम डरा रहे? अच्छा मैं क्यों डरूं, मेरे में क्यों तशवीश पैदा होगी? एक मुसलमान बच्ची पांडिचेरी पुडुचेरी की आप देखे होंगे अखबार में, गोल्ड मेडल मिला उसको, क्या मिला? गोल्ड मेडल। सदर जमहूरिया उसको अवार्ड देने वाले थे, गोल्ड मेडल देने वाले थे, तो वहां की पुलिस उसको रोक दी ये कहकर के बेटी तुम हिजाब पहनी हुई हो और हमको शक है कि तुम अंदर जाओगी तो सीए के खिलाफ कुछ बोल दोगी। जब एक बच्ची गोल्ड मेडल जीती है, कामयाब हुई है, उसको अंदर जाने दे रहे तो हम आप उम्मीद करेंगे कि एनपीआर जब होगा तो हमारा नाम डॉक्टर में नहीं डाला जाएगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? इस मुल्क को आप जिना के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, दोबारा पाकिस्तान के रूह को जिंदा कर रहे हैं बीजेपी, इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये रूल्स है, बीजेपी के लोग आपसे कल बोलेंगे नहीं एनपीआर जो सेंसस के बड़ा मुताबिक होगा, नहीं झूठ बोल रहे हैं, सेंसस 1948 एक्ट के तहत होता, सिटीजनशिप 1954 एक्ट के तहत ये एनपीआर एनआरसी होगा। ये समझते हैं कि हमारे कान में फूल है और पी लाल बस से उतरे।